कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं नंदिता, लेकिन घोटाले के आरोपियों के लिए कांग्रेस का रास्ता खोल रहे हैं। 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। तो क्या कांग्रेस की कोठरी में अब आकर मधु कोड़ा के सारे दाग धुल गए हैं, या फिर राहुल गांधी ने भी सियासी रंग बदलते हुए ये मान लिया है कि दाग तो अच्छे हैं? बिल्कुल, फाल डील पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को झारखंड में नया साथी मिल गया है। नाम है मधु कोड़ा। 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांग्रेस में शामिल हो गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुख्यालय चाईबासा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया। हम तो कांग्रेस में जब आ गया, मेरा नेता ही आ गया, तब हम तो आने ही ना। जय भारत समता का पार्टी का विधायक गीता कोड़ा जी है, वो ही नेता भी है, हम लोग उसका केडर है और हम लोग साथ में आ गए। मधु कोड़ा जी के ऊपर जितने भी आरोप है हमने हमेशा कहा है, आप उसको जो है कोर्ट कचहरी का प्रक्रिया है। मधु कोड़ा जी ने अपने भी कहा है कि न्याय के ऊपर पूरा तरह से विश्वास है। सवाल ये है और इस क्षेत्र के जनता से है, हम आसानी से तो किसी को बदनाम करेंगे? सच्चाई क्या है? मधु कोड़ा के शामिल होने के बाद उनकी पार्टी जय भारत समानता पार्टी का भी कांग्रेस में विलय हो गया। इससे पहले अक्टूबर में कोड़ा की पत्नी और जगन्नाथपुर से विधायक गीता कोड़ा राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई थी। ऐसी सरकार जो आवाजों को दबाती है, जो आवाज उनके खिलाफ होते हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन आवाजों को दबा दिया जाता है, उनको चुप करा दिया जाता है, उनको लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान मधु कोड़ा पर कई मामलों में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा था। जमानत न मिलने की वजह से वो करीब 3 साल तक जेल में भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।